अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। लॉकडाउन अवधि के दौरान की पब्लिक स्कूलों द्वारा फीस ली जाए अथवा न ली जाए, अभिभावकों व पब्लिक स्कूल संचालकों के बीच चली आ रही जंग पर अब विराम लग गया है। फीस न लेने को लेकर दायर की गई पीआईएल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है लॉकडाउन अवधि की फीस न लेने संबंधी कोई आदेश कभी जारी नहीं किया गया है, लिहाजा सभी अभिभावक इस अवधि की फीस विद्यालयों में तत्काल जमा करा दें। बता दें कि करीब 3 माह तक चले लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक हुए भी काफी समय हो गया है, लेकिन अभिभावकों व विद्यालय संचालकों के बीच फीस को लेकर लंबे अरसे से जंग के हालात बने हुए हैं। अभिभावकों का साफ कहना है कि लॉकडाउन के कारण सभी काम धंधे चौपट हो चुके हैं। इस अवधि में स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं हुई, केवल फीस के लिए विद्यालय संचालकों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराई, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वहीं स्कूल संचालकों का स्पष्ट मत है कि विद्यालय के सभी खर्चे यथावत हैं, विद्यालय आने वाले स्टाफ व टीचर्स को बराबर फीस दी जा रही है, अगर बच्चे फीस नहीं देंगे तो इन लोगों का वेतन आदि कहां से दिया जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है, वे अपने स्तर से विद्यालयों को संचालित करते हैं, ऐसे में यदि फीस का भुगतान न किया गया तो वह विद्यालय का संचालन कैसे कर पाएंगे। इस जद्दोजहद के बीच अभिभावकों की तरफ से पीआईएल भी दायर की गई। पीआईएल में कहा गया कि राज्य सरकार को आदेशित किया जाए कि वह प्रदेश के सभी विद्यालयों को आदेशित करे कि कोरोना महामारी के दौरान वह वो फीस आदि न ले जो विद्यालय खुले होने की स्थिति में ली जाती है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इससे सहमत नहीं है, दरअसल अधिकांश विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। उधर कई जनपदों के बाद आज मेरठ के जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी आदेश जारी कर दिया है। इसमें शासन के उस पत्र का भी उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिया जाए, किसी भी छात्र अथवा अभिभावक को 3 माह के अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए। डीआईएस ने कहा है कि शासन अथवा विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि की फीस माफ करने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया है, अब सक्षम अभिभावक छात्रों से अनुरोध है कि वे विद्यालय में मासिक शुल्क जमा करने का कष्ट करें। इस आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश कुमार चौधरी के हस्ताक्षर हैं। डीआईएस के आदेश व हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज करने के बाद अभिभावकों के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं, वह फीस जमा कर आगे बढ़ें या फिर और ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएं। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।